अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अली वासिम। करता हूं आपको अपडेट यूट्यूब चैनल अली बस टीवी पे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं व्हाट्सएप के पांच सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में, जिनके बारे में बहुत ही ज्यादा कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट्सएप के पांच सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में, जिनके बारे में बहुत ही ज्यादा कम लोग जानते हैं। कुछ लोग इन सेटिंग्स के बारे में जानते होंगे, पर कुछ लोग जो इन सेटिंग्स के बारे में नहीं जानते। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरह पांच सीक्रेट सेटिंग्स को करना है और क्या फायदे हैं इन सेटिंग्स के, जो आप अपने व्हाट्सएप में इनको जो वो यूज कर सकते हैं। तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट्सएप के पांच सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में, जो आपके व्हाट्सएप के लिए बहुत ही ज्यादा जो वो हेल्पफुल साबित हो सकती है। मगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, इस तरह की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहे। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो गाइस, व्हाट्सएप की फर्स्ट जो सीक्रेट सेटिंग ये है कि आपने अपने व्हाट्सएप को ऑन करना है। ठीक है, व्हाट्सएप को आपने ऑन करना है। साइड पे भी आपको जो वीडियो दिख रही होगी, व्हाट्सएप को आपने ऑन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड का या फिर कोई भी आप व्हाट्सएप पे आप अपने फ्रेंड का जो पिक्चर देख लेते, तो आप उस पर क्लिक करते वो आपके पास डाउनलोड हो जाती है, तो वो आपकी गैलरी में जो वो सेव हो जाती है। और आप जो वो परेशान होते हैं यार, जो कुछ भी मैं देखता हूँ, वो जो कुछ भी मैं व्हाट्सएप पे पिक्चर देता हूँ, वो मेरे पास गैलरी में क्यों सेव होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप की पहली सीक्रेट सेटिंग के बारे में, कि अगर आप व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड की जो वो कोई भी पिक्चर को देखेंगे व्हाट्सएप पे, तो वो आपकी गैलरी में सेव नहीं होगी। तो आप किस तरह कर सकते हैं, तो आपने अपने व्हाट्सएप को ऑन करना है। तो आप जिस भी फ्रेंड के पिक्चर्स को ज्यादा देखते हो और आप चाहते हैं कि इसकी मैं पिक्चर को देखूं, मेरी गैलरी में सही सेव नहीं हो, तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप को ऑन करके उसकी यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करना है। वीडियो साइड पे भी दिख रही होगी, पिक्चर पे इस पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपके पास चौथे नंबर पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है आई बटन का, तो आपने इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है मीडिया विजिबिलिटी, तो आप इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपसे डिफॉल्ट येस है तो आपने नो करके इसको जो वो ओके कर देना। ठीक है, उसके बाद आप इसकी पिक्चर्स को व्हाट्सएप पे देखेंगे तो आपके पास जो इसकी पिक्चर्स जो है वो बिल्कुल भी आपकी गैलरी में जो वो सेव नहीं होंगी। तो अब हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप की दूसरे जो है सीक्रेट सेटिंग की ओर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अलावा आपके व्हाट्सएप को कोई भी यूज नहीं कर पाए, जी अगर आप चाहते हैं कि आपके अलावा आपके व्हाट्सएप को कोई भी ऑन नहीं कर सके, आप किसी दूसरे को मोबाइल दें तो वो आपके व्हाट्सएप को ऑन नहीं कर सके आपके अलावा, तो आपने क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को ऑन करना है और आपने क्या करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, साइड पे वीडियो दिख रही है, थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है एंड आपने सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है अनेबल का, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कोड देना है। जी हाँ, एक बहुत ही हार्ड कोड देना है, जो जो है अगले वाले बंदे को जो वो व्हाट्सएप को ऑन करने में जो वो दिक्कत हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 आपने जो डालना है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ईमेल देनी है। ईमेल इसलिए देनी है कि अगर आपको जो वो व्हाट्सएप का कोड आप जो भूल जाते हैं, तो ईमेल से जो आप वेरिफिकेशन करवा के अपने व्हाट्सएप को जो वो ऑन कर सके। तो इस तरह जो है आप अपने व्हाट्सएप को लॉक लगा सकते हैं और आपके आपके अलावा आपको कोई भी उसको कोड के बारे में पता नहीं होगा और आप भी उस अपने व्हाट्सएप को जो वो ऑन कर सकेंगे। हम चलते हैं अपने जो है वो थर्ड सीक्रेट सेटिंग के बारे में, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके गर्लफ्रेंड के मैसेजेस को कोई और रीड नहीं कर पाए व्हाट्सएप में, जी अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ चैट करते हैं, दोनों साइड से जो कोई भी आपके मैसेजेस को रीड नहीं कर पाए, तो आप चाहते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक थर्ड सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने व्हाट्सएप को ऑन करना है। व्हाट्सएप को ऑन करने के बाद आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है और फिर से आपने अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, तो आपने इसको ऑन कर देना। ठीक है, अगर आपका गर्लफ्रेंड या फिर आपका जो फ्रेंड जो वो अपने मोबाइल फोन को मीन्स के बदलाता है, नया मोबाइल लेता है या फिर अपने व्हाट्सएप को दूसरे मोबाइल फोन में जो वो ऐड करता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वो उसने जो अपने मोबाइल फोन को जो वो चेंज कर दिया और आपके और उसके मैसेजेस को जो कोई भी उस सेटिंग को जो आप ऑन करेंगे तो आपके और उसके मैसेजेस को जो वो कोई भी व्हाट्सएप पे रीड नहीं कर पाएगा। जी हाँ, ये भी बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है, तो आप इसको भी जो वो जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप की फोर्थ सीक्रेट सेटिंग के बारे में, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अलावा या फिर आपके दोस्तों के अलावा आपको कोई भी व्हाट्सएप के न्यू ग्रुप्स
में जो ऐड नहीं कर पाए। जी अगर कोई भी आपको व्हाट्सएप की न्यू ग्रुप्स में ऐड कर लेता है और आपका नंबर जो वो दूसरे लोगों को जो पास जो वो चला जाता है, वो आपको जो फोन करते हैं आपको तंग करते हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरे दोस्तों के अलावा फिर कोई भी मुझे जो है न्यू ग्रुप्स में ऐड नहीं कर पाए और आप जिन भी ग्रुप्स में ऐड है आप वही ग्रुप्स में ही रहें, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, तो आपने अपने व्हाट्सएप को ऑन करना है। ठीक है, व्हाट्सएप को ऑन करने के बाद आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ग्रुप्स का, तो आपने ग्रुप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ग्रुप्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से जो होगा एवरीवन और माय कॉन्टैक्ट्स और नोबडी, तो आपने क्या करना है माय कॉन्टैक्ट्स पे रखना चाहते हैं, या फिर आप माय कॉन्टैक्ट्स पे अगर आप रखेंगे तो आपके जो मोबाइल फोन में जो नंबर सेम है जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो वही आपको जो व्हाट्सएप में दूसरे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कोई भी मुझे व्हाट्सएप के दूसरे ग्रुप में ऐड नहीं कर पाए तो आपने नोबडी पे क्लिक करके उसको जो ओके कर देना है, एंड उसके बाद आपके जो वो कोई भी आपको जो नए ग्रुप्स में जो वो ऐड नहीं कर पाएगा। ये भी अमेजिंग व्हाट्सएप की सीक्रेट सेटिंग है, तो आप इसको भी जो वो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप की लास्ट सीक्रेट सेटिंग के बारे में। तो अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप की लास्ट सीक्रेट सेटिंग के बारे में, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर को कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाए, कोई भी आपके व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड नहीं कर पाए, तो आपने सिर्फ क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना है, और नई अपडेट में जो ये फीचर आया है कि आप आपके व्हाट्सएप को जो कोई व्हाट्सएप की पिक्चर को कोई भी जो वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा, सिर्फ अपडेट कर लेना है आपके, उसके बाद आपके व्हाट्सएप की पिक्चर को कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। ये भी बहुत ही अमेजिंग सीक्रेट सेटिंग है, तो आप इसको भी जो जरूर ट्राई कीजिए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन पे बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि चैनल की सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।